जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुजर के खिलाफ सरकार ने एक्शन लेने की तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पट्टे की एवज में भ्रष्टाचार मामले पर मिले दूसरे नोटिस का जवाब नहीं देने पर अब स्वायत्त शासन विभाग उन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड कर सकता है। इसे लेकर विभाग स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। रविवार सुबह तक मुनीश गुजर के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले रविवार सुबह तक मुनीश गुजर के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी होने के अनुमान लगाए जा रहे थे, हालांकि खबर लिखे जाने तक ऐसा हुआ नहीं है। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि मुनीश गुजर पर जो भी फैसला होगा इसके बाद ही कार्यवाहक मेयर को लेकर पार्षदों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी पार्षद राजनीति की समझ रखता होगा, जिनमें शैक्षणिक योग्यता होगी, उस पैमाने को मानकर ही कार्यवाहक मेयर चुना जाएगा। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान मेयर के खिलाफ हमारे पास कांग्रेसी पार्षद भी आए हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी मेयर ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में कार्यवाहक मेयर बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुजर को पट्टे की एवज में रिश्वत मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा था, मगर यह नोटिस मुनीश गुजर के पास रात तकरीबन 11 बजे पहुंचा था। मुनीश गुजर पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कभी भी कार्रवाई की जा सकती है और इसके बाद नगर निगम द्वारा कार्यवाहक मेयर भी चुन लिया जाएगा। इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लॉबिंग तेज कर दी है। दरअसल रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनीश गुजर पर एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है। मुनीश की तरफ से शनिवार को कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया था। मुनीश के वकील दीपक चौहान ने हाईकोर्ट में कहा था कि मामले में एसीबी ने चालान तो पेश कर दिया है और हमने इससे संबंधित दस्तावेज भी हाईकोर्ट में पेश किए हैं, ऐसे में हमें बहस के लिए समय दिया जाए और इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि एसीबी ने 19 सितंबर को मुनीश गुजर के खिलाफ चालान पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।